सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो मुल्कों के मौजूदा हालात में जो बरसर इक्तदार सियासी जमात है उसकी नैया डोल रही है। धुलिया मालेगांव से उन्होंने अपने उम्मीदवार को तय कर दिया है, लेकिन सूरत हाल ये है कि ख़ुद उनकी पार्टी के अंदर बगावत के आसार हैं और जो उम्मीदवार है उससे इंतहाई नाराज़गी है। आज ऐसे मौके पर महाविकास अघाड़ी कांग्रेस पार्टी का ये हलका बनता है, कांग्रेस पार्टी को कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। इस सिलसिले में जिन जिन लोगों से उन्होंने उम्मीदवारी की बातचीत की उन्होंने इनकार कर दिया। मुझसे भी जो है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रابطہ किया कि आप जो है मालेगांव से धुलिए से पार्लियामेंट की उम्मीदवारी करें। मैंने उनसे ये बात कह दी कि इतना बड़ा हलका है, तकरीबन 6 असम्बली हलके हैं और इन 6 असम्बली हलकों के अंदर मेरे लिए उम्मीदवारी करना मुश्किल है। अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं और उन अखराजात के पेश नज़र आज इस मौके पर मेरी यह हैसियत नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं। इस तरह का मैंने उन्हें जवाब दिया और मैं उम्रे के सफ़र पर जा रहा हूं, मेरा 12-15 दिन का सफ़र है, मेरी वापसी होगी। आने के बाद क्या सूरत हाल बनती है उस वक्त हालात को देख करके उम्मीदवारी करना है नहीं करना है ये फैसला करेंगे।